अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिखावा पॉइंट। नाज़रीन आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत मड हाउस में आया हूँ, तो यहाँ के लोगों की आपको मैं रूटीन दिखाने वाला हूँ कि ये लोग इनका क्या काम होता है डेली वाइज। तो आए मैं आपको इनका घर भी दिखाता हूँ और लोगों से इनकी मुलाकात भी करवाता हूँ आपकी। तो चले इनके घर में एंटर होते हैं और देखते हैं इनकी फैमिली और इनका घर। इनके घर में एक मंदिर भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये लोग ना पूजा पाठ अपनी करते हैं सुबह सुबह। लेकिन जैसे कि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो और तंदूर इन्होंने जलाया जी। तंदूर पर ये रोटियां वगैरह लगाएंगे लोग। और ये अम्मा है जी, इस घर की ओनर है समझ लें आप। और ये भाई हैं, भाई भी इधर ही रहते हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा भाई। कृष्णा भाई ठीक, क्या काम शाम क्या करते हैं जी आप? खेतीबाड़ी। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, सही। अभी आप तंदूरी में आग जला रहे हैं जी, जी। खाना आप बनाएंगे? आप बताएंगे तो आप, मैं बना लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, अम्मा बनाएंगे, आप उनको तंदूरी जला कर दे रहे हैं बस, ठीक है। और देखते हैं, और ये देखें जी, ये है जी इनका मंदिर, चेक करें। सही, काफी खूबसूरत तरीके से बनाया है, लेकिन लकड़ी में मिट्टी लगी हुई, सेंक लगी है, थोड़ी सी सफाई की जरूरत है अभी। और इनके जो भी जितने भी भगवान है सबकी इधर तस्वीरें लगी हुई हैं, पिक्स लगी हैं। और ये देखें, मुझे इनके नाम वगैरह तो नहीं पता। और ये देखें, इन्होंने इस तरह से अपने भगवानों की तस्वीरें लगाई हैं और इधर सुबह पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और ये इसके ऊपर ना दूध डालते हैं मेरे ख्याल से। और ये इन्होंने एक दरी बिछाई हुई है, कलीन जिसे कह ले, इसके ऊपर बैठकर ये पूजा पाठ अपनी करते हैं। इनके पास ये दो कमरे हैं, और जैसे कि ये सुबह इन्होंने दूध भी रिड़का है, तो इधर चाटी और ये सारा सामान जो है ना दूध रिड़कने का इधर पड़ा है। तो ये लस्सी और मक्खन जो है ना सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये इनका सुबह का मामूल होता है कि इन्होंने दूध रिड़कना है। और ये जी इनके पास कमरे हैं, तो इनका कमरा मैं थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जी, अंदर से आप इनके कमरे का व्यू चेक करें। बेशक ये गरीब लोग हैं, लेकिन इन्होंने खूबसूरती के साथ मतलब सामान भी रखा हुआ है और खूबसूरती के साथ पेंट भी किया हुआ है। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, बर्तन भी बहुत तरतीब के साथ रखे हुए हैं। और बाकी आपको दूसरा कमरा भी दिखाता हूँ मैं। तो ये देखें, ये दूसरा कमरा, पंखा भी चल रहा है मुझे लगता है, या शायद सोलर प्लेट है इनके पास, क्योंकि इधर लाइट नहीं है इसलिए ये बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकला है। और पीछे वो देखें कितने खूबसूरत बच्चों की पिक्स लगी हुई हैं, ये चेक करें, ये इन्होंने लगाई हैं अपने शौक के लिए। बाकी ये इनका कमरा है। और इनका घर दिखाऊं तो ये इनके पास एक झोंपड़ी है। नजरें जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है, तो अम्मा जी ना अभी खाना बनाने लगी हैं अपनी फैमिली के लिए, तो ये लोग तंदूरी रोटी पकाते हैं, तो ये तंदूर पर पका रही हैं। ये देखें, गांव में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो तंदूर पर ही रोटियां बनाते हैं, जैसे अम्मा जी बना रही हैं अभी। और इधर जो है दूसरी अम्मा जो है सालन बना रही हैं, ये आलू गोभी पका रहे हैं। जैसे कि पहले के लोग थे मतलब 50-60 साल पहले, 100 साल पहले चले जाएं, तो इस तरह की लोग झोंपड़ियां बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाते। लेकिन ये गरीब लोग हैं बेचारे, तो अभी भी ये इस तरह की झोंपड़ियां बनाते हैं। तो ये पिलर्स और एक दीवार है ऊपर, इन्होंने ना ये सिरकी होती है उसकी छत बनाई हुई है। और ये इन्होंने क्या कुछ चीज़ें बनाई हैं इधर सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। और ये है जी दानों वाला ढोल कह लें इसे, इसके अंदर दाने रखे जाते हैं, गंदम स्टोर की जाती है, साल का राशन इसमें स्टोर होता है। इस घर में जो एक भाई हैं कृष्णा राम, उन्होंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने अपने कबूतर और मुर्गियां वगैरह रखी हुई हैं। तो ये देखें कबूतर इसके माशाल्लाह कितने प्यारे परिंदे हैं, ऊपर सारे बैठे हुए हैं। मुर्गियां इन्होंने बाहर ही छोड़ दी हैं सेन में। और ये इनका आउटडोर है मतलब बाहर वाला एरिया है,
इनके घर के बाहर ही साथ ही नहर लगती है, और ये इनका मंदिर जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, और ये जो भाई चाचा जी हैं ये कपास से घास जो निकाल कर लेकर आ रहे हैं घर में, तो फिर ये जानवरों को चारा कुतर कर फिर डालेंगे। इधर इनके पास एक चारे वाली मशीन भी है, और ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है मिट्टी का, इसके ऊपर बर्तन वगैरह रखते हैं जी। अभी ये थोड़ा सा टूट चुका है, और ये इनकी चारे वाली मशीन है, इधर ये चारा वगैरह कुतरेंगे अपना। अम्मा जी ने रोटियां पका ली हैं जी तंदूर पर, तो ये देखें जी काफ़ी सारी रोटियां बना ली हैं। अभी ये लोग जो है ना पकाने लगे हैं सालन, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और आगे जो भी इनकी नेक्स्ट जो भी रूटीन होगी सुबह की वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये देखें काफ़ी सारियाँ तंदूर पर रोटियां लगाई हैं, ये तंदूरी रोटी है जी, आपने खाई भी होगी देखी भी होगी, देहातों में ज़्यादातर तो यही रोटियाँ चलती हैं तंदूर पर, और बहुत कम लोग होते हैं जो तवों पर पकाते हैं। ये देख ये इन्होंने अपने घर में एक छोटा सा डोगी रखा है, तो बच्चा इसके साथ खेल रहा है। बेटा ये आपने रखा है इसे? हाँ आपका डोगी है ये, इसे कहाँ से लेकर आए हो? तो आप आ जाओ, ये आपका घर नहीं है? ये डोगी मेरे पाँव में खेल रहा है, देखें कितना क्यूट है। तो नाज़रीन अम्मा जी इधर सालन वगैरह पका रही हैं, तो ये भाई जो है ना अब मैं अपना घर दिखाने लगे हैं, तो चले आए हम आपको इनका घर दिखाते हैं, और भाई अब हर एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, चलें भाई ये अपने कमरे वगैरह दिखाएं, तो हम दिखाएं क्या क्या चीज़ें आपने अंदर रखी हैं, और बताएँ और क्यों रखी हैं ये। अच्छा मैं पहले भी इस कमरे में आया था, तो मैंने ये बच्चों की पिक्स देखी, तो मैंने ये सोचा कि मैं भाई से पूछूंगा ये बच्चों के किन बच्चों की पिक्स लगाई हैं और क्यों लगाई हैं। वैसे लगाई हुई है। वैसे लगाई हुई है। अच्छा कहाँ से लेकर आते हैं ये इस तरह की तस्वीरें? ये कंडेल पुल, कंडे वाले पुल से। खूबसूरत बच्चों से मोहब्बत है जी जी। अच्छा अक्सर तो लोग इस वजह से लगाते हैं जी, बेगमार जो है ना वो खूबसूरत बच्चों को देखेंगी सुबह सुबह उठते, फिर हमारे बच्चे भी इस तरह से प्यारे होंगे खूबसूरत होंगे, यही वजह तो नहीं है कहीं? बस यही समझ ले, यही समझ लें। सही माशाल्लाह से बहुत प्यारे बच्चे हैं जो आपने इधर पिक्स लगाई है। अक्सर मैंने लोगों के घरों में देखा है उधर ना हेमा मालिनी और कैटरीना कैफ इस तरह की हीरोइन जो होती है ना उनकी पिक्स होती हैं, लेकिन आपने बच्चों की पिक्स लगाई हैं बहुत शौक से। तो चले दूसरा कमरा हमें दिखाए। अच्छा लाइट है भाई इधर आपके पास? जी लाइट है, अभी तो लाइट है जी जी। अच्छा अच्छा सही। तो ये इनके पास दूसरा कमरा है, तो पहले भी मैंने आपको ये दिखाया था, भाई हमें दिखा रहे हैं, तो ये इन्होंने काफी खूबसूरत तरीके से बर्तन रखे हुए। अच्छा ये शीशे और स्टील के बर्तन है जी, बिल्कुल ठीक। और ये आपने क्या लगाई हुई नीचे ये डोरी? ये वैसे लैस लगी है। अच्छा लैस लगी खूबसूरती के लिए जी। ठीक दो कमरे आपके पास जी, बिल्कुल। अच्छा कितने अफराद हैं फैमिली के मेंबर जो इस घर में रहते हैं? इधर है आठ। आठ मेंबर, दो कमरे हैं आपके पास, आप शादीशुदा हैं? जी शादी। सही बच्चे भी हैं आपके पास? नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हुए अभी? नहीं, नहीं। सही। अब जो स्कूल गए हैं बच्चे सुबह वो भाई है। वो भाई के थे जी? नहीं खुद भाई है छोटे। अच्छा वो छोटा भाई है आपका जो स्कूल गया सुबह? अच्छा अच्छा अच्छा। शादी को कितना अरसा हो गया आपकी? शादी को 9 महीने। 9 महीने। और ये पीछे जो टीवी पड़ा है ये चलता है? जी चलता है। सही।